शराबबंदी वाले बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। जहरीली शराब पीने से राज्य में बीते एक महीने के भीतर 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शराब से हो रही मौतों के बाद सरकार भी एक्शन में की तैयारी में आ चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी की सख्ती पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इसी महीने आपको बता दें राज्य के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अकेले बेतिया में शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोपालगंज में 12 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन लोग शिकार हो गए, जबकि इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। इन 4 जिलों में ही 19,000 लीटर से ज्यादा देसी विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस टीम ने आपको बता दें 750 छापेमारी की, जिसमें से 568 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस दौरान 15,246 लीटर विदेशी शराब, 3,435 लीटर देसी शराब और 497 लीटर महुआ चुलाई शराब और 500 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। पुलिस ने 347 मामले भी दर्ज किए हैं।